अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल हैं। एक बार फिर आप लोगों के साथ हैं एक बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्ती और बहुत एंटरटेनमेंट वाली वीडियो लेकर आपके साथ। हमारा प्लान है गवादा ट्रिप का। तो गाइस, ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी है, विद इन 15 मिनट्स हम निकलने वाले हैं। लेट हो गए हैं, हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था, लेकिन बस कुछ किसी का वेट कर रहे हैं। इंतज़ार हो इंतज़ार ही। तो क्या कहते हैं, हम आपको आज गवादर घुमाएंगे, आज कल भी घुमाएंगे, थोड़ी लंबी भी लोगों की, लेकिन आप लोगों को मज़ा आएगा। तो हमारे साथ रहिएगा आप लोग, और बताइएगा कि आप लोग भी इंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं हमारे साथ। मैं भी बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं तो भूल गया हूँ, इतने दिन हो गए हैं वीडियो ही नहीं बनाई। हाँ, तो असल में मसूफियत ऐसी होती है कि नहीं बना सकते। तो हो सकता है, वैसे मैं अपना चैनल जो अब कश्माला के हैंडओवर ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, कुछ एग्जाम्स हैं वो मुझे देने हैं, तो मैं उसकी तरफ पूरी पूरा ध्यान। लेकिन साथ रहेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। मैं भी साथ साथ आता रहूँगा, इसी तरह ही जैसे अब ज़्यादा ये बोल रही है, मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, इसी तरह थोड़ा बहुत आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि मैं जो है एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो आज तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, असल में हमने सिर्फ इंटरनेट पे वीडियोस देखे हैं और लोगों के व्यूज़ देखे हैं अबाउट गवादर, जो चाइनीज़ पोर्ट बना है हमारा और सब चीज़ें, ये सब देखने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम आपको दिखाएंगे ज़रूर अपनी एक्साइटमेंट भी और रास्ते और के आप लोगों को ये बताएंगे कि गवादर आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पूरा जो ट्रिप है आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम जो है विज़िट करवाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। तो आगे चलते हैं गवादर की तरफ। चले। तो जनाब, हम रवा दवा हैं अपने रास्ते पे। अच्छा, हमने जब गूगल मैप ऑन किया तो गूगल ने हमें, जो आंटी हैं गूगल वाली, उन्होंने हमें 6 घंटे का रास्ता बताया था, 6 से 8 घंटे का। और जब हम पहुँचे, 110 और 100 की स्पीड थी हमारी ऑल द वे। तो जब हम पहुँचे तो हमें तकरीबन पहुँचने में 11.5-12 घंटे लग गए थे। तो ये आप लोग यहाँ से प्लान करके चलिएगा कि किस वक्त निकलना है, क्योंकि पूरा दिन रास्ते में, और रास्ते में कोई स्टॉप नहीं है जहाँ पे आप रुक के खाना भी खा सकें। तो जनाब, यहाँ की जो रोड्स हैं वो कराची से ही सिंगल रोड है, यहाँ पे आपको डबल रोड नहीं मिलेगा, बिल्कुल एहतियात से ड्राइव करने हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। और इतने कर्व्स हैं रोड में कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि आगे से कौन सी व्हीकल आ रही है और कितनी स्पीड में आ रही है। तो आपने अपनी एहतियात के साथ चलना है, जैसे हम चले हैं। और रास्ते में आप देख रहे हैं, पहाड़ों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक जगह पे कोई टूटा फूटा वॉशरूम मिल गया तो मिल गया, बाकी कुछ भी, कोई स्टॉप या जी जनाब। तो अगर आप भी गवादर का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं थोड़ा गाइड करता चलूँ कि आप लोग अगर कराची से निकलें तो सुबह मैक्सिमम सुबह 5 बजे तक आप निकल जाएँ, और 5 बजे के बाद आप जैसे ही निकलेंगे तो आप कुंडमलीज जो एक साइट है, जो बीच है, वहाँ पे 2-2.5 घंटे में आप आराम से पहुँच जाएँगे। आप वहाँ पे थोड़ा स्टे करें और वहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफी करें, सब चीज़ें करें, इंजॉय करें, चाय वाय पिए। वहाँ से फिर जो है कुंडमलीज से आप आगे की तरफ रवाना हो जाएँ, और आप जो है दूसरा स्टॉप जो है आप तकरीबन 1 या 2 बजे तक आप जो है ओरमाड़ा बीच पे आप पहुंच जाएंगे। ओरमाड़ा बीच पे आप लंच करें। लंच के लिए मैं आपको गाइड करता चलूं कि खाना जो है आपको अच्छा वहां पे नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो है खाना घर से ही बना के जाएं, बाकी रोटियां वगैरह आपको वहां से मिल जाएंगी। तो वहां पे आप लंच करके फिर वहां से आप निकल जाएं, और फ्यूल भी जो है आपको ओरमाड़ा पे ही आपको मिलेगा, वहाँ पे फ्यूल भी फिल करवाएं, ईरानी फ्यूल होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो भी सही होता है, बल्कि सस्ता पड़ता है और अच्छा होता है। तो इसी तरह आप अपना प्लान रखिएगा जी फ्रेंड्स। तो कल रात को हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, 12:30 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे। वैसे तो होटल्स वगैरह यहाँ पे इतने कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हम चूँकि किसी के मेहमान थे तो हमें ये रेस्ट हाउस जो है उन्होंने हमारे लिए बुक करवाया। और ये तुम कहाँ जा रही हो, ये देख लें, मैं छोड़ के जा रही हूँ ये तो अच्छी बात है, बहुत खुश हो रहे हैं आप तो जनाब ये तो एक मजाक था, हम कहीं नहीं जा रहे और ना छोड़ सकते हैं। तो जनाब, ये हमारा रेस्ट हाउस था जहाँ हमें रुकना था, हमने 2 नाइट्स जो है यहाँ पे स्टे किया,
और क्या कहते हैं पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल के अलावा ग्वादर में इतने कोई भी ख़ास रेस्टोरेंट या सहूलियात इतनी बेसिक वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो हम लकी थे इस मामले में कि हमें इतना अच्छा रेस्ट हाउस रहने के लिए मिला और आपको हमने सोचा दिखाएं, इसमें ओवरव्यू करवाएं ये सब चीज़ें। देखें भाई ये है ग्वादर, आप जब भी आएँ लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितना पीसफुल और कितना मतलब आँखों को सुकून पहुंचाने वाला जो है ना यहाँ पे वेदर भी है और मौसम भी है, उसी तरह साफ़ सुथरी सड़कें और इन्वायरमेंट माहौल हर चीज़ बेहतरीन है। मतलब ये हमारा फर्स्ट है, हम रेस्ट हाउस से निकले हैं और हमें अभी हम बहुत जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम ना। हाँ स्टेडियम आपको शो करेंगे, स्टेडियम यहाँ का हमने सुना है बड़ा जो है फेमस है और खूबसूरत है, देखते हैं किस तरह की खूबसूरती है उसमें, उसी तरह वहाँ मिलते हैं अब आपको। फ्रेंड्स तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारी यहाँ आकर ख़त्म हो गई, बहुत मज़ा आ रहा है और क्या कहते हैं ग्वादर जो है वो घूमने जैसा है बिल्कुल और आना चाहिए सबको। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है, हम आए तो हमें बहुत मतलब नहीं देखने को मिले टूरिस्ट वगैरह, तो क्या कहते हैं हम कल रात लेट नाइट पहुँचे तो हम वीडियो जो है बना नहीं सके, तो मेरे बगैर भी क्यों बना रही हो, बताया भी नहीं तुमने। तो हम अभी पहुँचे हैं यहाँ क्रिकेट स्टेडियम के पास। तो ये जो है क्रिकेट स्टेडियम तो बहुत अच्छा है, हम दिखाते हैं आपको इसका पूरा व्यू, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको पता है रिसोर्सेज कम होने की वजह से इसको ज़्यादा क्या कहते हैं नहीं किया गया, क्या इसको कहा जाएगा डेवलप नहीं किया हुआ। ये 2020 में यहाँ बना, 14 नवंबर 2020 में, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान थे जमाल कमाल खान अलियानी, तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि यहाँ के जो लोकल हैं, ज़ाहिर हर किसी का स्पोर्ट्स में शौक, और वैसे ही जो हमारे बलोच भाई हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे आगे दिखाई देते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन एक वो होता। हम भी यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं सारा स्टेडियम। तो हम जो हैं वो बलूचिस्तान पहाड़ों के जो है वो सूबे में मौजूद हैं, यहाँ की अलग एक ब्यूटी है, खूबसूरती है जो इससे पहले मैंने शायद कभी भी नहीं देखी। इवन हम जो नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं वहाँ ग्रीनरी वगैरह तो देखने को मिलती है, पर ऐसी ब्यूटी नेचुरल आर्ट जो है ना मैंने नहीं देखा। आपको दिखाते हैं, ये भी पहाड़ के बिल्कुल दामन में और गोद में बना हुआ स्टेडियम है, आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमें यहाँ कितना ज़रूरी है विज़िट करना। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये वतन हमारा है और हमें पास बाएं इसके, बेशक हमें इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है, जहाँ भी ये फ्लैग देखती हूँ तो पेट्रियोटिक वाला जो इंसान है ना अंदर जाग पड़ता है बाकायदा। हमें भी यहाँ पे बैट बॉल वगैरह लेकर आना चाहिए था खेलने के लिए, ताकि हम भी इंजॉय कर पाते हैं। हमें सही से हम पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं आए, या तो फुटबॉल लाना चाहिए था या तो क्रिकेट के जो है बैट बॉल, तो हम यहाँ पे जो है वो और इंजॉय करते हैं। वाओ ये जो आर्ट है ना हैं। मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं ना, पॉट्स को शेप देते हैं, ये नेचुरल शेप क्या समझ से बाहर है, ये कुदरत के जो निजाम और चीजें हैं, एक कुदरत की बनाई हुई चीज ये भी दिखा रही हूँ मैं आपको, आकाश दर्शाओ जो इनकी शेप है ना वो आउट होती जा रही है तो आए तो बहुत अच्छी शेप में थे, लेकिन क्या करें हम जो है वो पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खा खा के जो है ना आउट ऑफ शेप हो चुके हैं
बालीजे जो है वो पिच पे मौजूद है बगैर बैट एंड बॉल के। ये गवादर क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और जब हम आए हैं और अपनी आँखों से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वाकई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कोहे बातिल के दामन में जो है ना ये वाक़िया है। आप ये क्या कर रहे हो? ओह एक्सरसाइज, वेरी गुड। जी फ्रेंड्स, तो हम मैरिन ड्राइव पे इस वक्त मौजूद हैं। अभी हमने गवादर स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना क्रिकेट स्टेडियम के बाद हम यहाँ आए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखें चिंगचीज़ भी चल रहे हैं जैसे कराची में देखने को मिलते हैं ना, तो थोड़ा हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो जनाब हमारे साथ रहिएगा, फिर हम मिलते हैं कुछ देर बाद और बहुत सारी जगह आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।